मौका दिया, आवाज आ रही है जी। जरा सर अगर आप आवाज बुलंद कर सकें या माइक के पास आ जाएं। मैं तो आ तो रही है मगर थोड़ी सी अगर सब लोगों को सुनाई नहीं देगी सर। जी मैं दो बातों की माजरत चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं मुल्क से बाहर हूँ और एक बैन अक्वामी मीटिंग है जिससे मैं उठकर आया हूँ तो, और दूसरी बात यह कि मेरे गले की तकलीफ की वजह से मेरी आवाज जरा बदली हुई है तो पता नहीं आप हजरात को सुनने में कोई दुश्वारी न। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बुलंद आवाज से आपसे बात करूं। जरा आप मुझे बता दें कि आवाज सुनने में आ रही है या नहीं। अब बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी आवाज आ रही है। ये बात अच्छा। देखिए इस फैसले के बारे में जो 6 फरवरी का फैसला था और जो निगरानी केस का फैसला आपके सामने है। जी इस वक्त मेरे सामने मैं क्योंकि बाहर हूँ ज्यादा सारे कागजात मेरे पास नहीं है लेकिन फैसले दोनों मैंने पढ़े हैं और उसके ऊपर अच्छी तरह गौर किया है और दोनों फैसलों के बारे में हमने एक मुफसल तहरीर भेजी है। एक तो वो थी जो 6 फरवरी के फैसले से मुताल्लिक थी वो आप हजरात को पहले ही पहुंच चुकी थी, आपने उसका नजरसानी के फैसले में भी हवाला दिया है। और दूसरी तहरीर जो नजरसानी के फैसले में जो आप हजरात ने फैसला दिया उसके ऊपर एक मुफस्सल तबसरा वो मैंने और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब वगैरह ने लिख कर दिया था, वो शायद तो हुआ लेकिन आपके पास नहीं पहुंचा था। मैंने जिन साहब ने आज वीडियो लिंक पर खिताब करने के बारे में मुझसे जिक्र किया तो मैंने उनको भेज दिया था कि वो अदालत में पेश कर दें कि इतने नजरसानी के फैसले से मुतालिक जो कुछ हमें इश्कालात हैं या जो उसमें हमारे लिहाज से उसमें जो गलतियां हुई हैं उसकी तफसील उस तबसरे के अंदर मौजूद है। मुझे नहीं मालूम कि वो आप तक पहुंची है या नहीं। वो मंगवा लेंगे, मेरे सामने तो नहीं है मगर आपसे हम अगर सुन लें क्योंकि कभी कभी पढ़ने में फिर गलती हो जाएगी। बेहतर है कि हम चाह रहे थे कि डायरेक्टली आपसे सुने आप सबसे क्योंकि पहले भी तो हमने मंगवाए थे फिर हो सकता है हमारी समझ में गलती हो। आप जब कुछ बात करेंगे तो हो सकता है उससे हम आप मजीद वजाहत ले लें। ठीक है तो अगर आप हमें अगर आपको याद है चीदा चीदा बातें उसमें से या तमाम बातें तो हम उसको उनको नोट करते जाएंगे। ठीक है जी। उसमें पहली बात तो यह है कि हमने ये गुजारिश की थी कि जब नजरसानी के लिए इस केस को मंजूर कर लिया गया और उस मंजूर करने के बाद आपने बहुत से लोगों को नोटिस दिए और उनसे कहा कि वो अपनी आरा लिख कर भेजें या खुद पेश हों तो उसमें मुतअद्दिद अतराफ से आपके पास जवाब आए। उनमें हमारा वो जवाब भी था जिस पर शायद 5 या 7 हजरात के दस्तखत थे। उसमें जो जो निकात उठाए गए थे नजरसानी के वक्त में जरूरी था कि उन सारे निकात को एक एक करके जिक्र करके उसके अंदर अगर कोई निकात में कोई गलती थी या एतराज वो दुरुस्त नहीं था तो उसके ऊपर बहस की जाती। लेकिन अफसोस है कि वो सारे निकात आप हजरात तक पहुंचे। आपने उसका बहुत ही सरसरी जिक्र किया और सरसरी जिक्र करके उन बातों का जो दलाइल उसमें दिए गए थे उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब किसी शख्स को आप तलब करें और वो अपनी राय पेश करें जो मुकदमे के अहम मसाइल पर मुश्तमिल हो तो फैसले में ज़रूरी होता है कि उन तमाम निकात को और उन तमाम दलाइल को मुफस्सल ज़ेर बहस लाया जाए और मुफस्सल ज़ेर बहस लाया जाकर उसको बताया जाए कि इसमें जो तबसरा किया जा रहा है वो उसका कैसा सही है या गलत है। मिसाल के तौर पर सारे लोगों ने सिवाय एक ये आपसे अर्ज किया था कि 6 फरवरी के फैसले में आपने जो आयात करीमा दर्ज की थी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप फैसलों में कुरान सुन्नत के हवाले देते हैं ये हमारे लिए एक अच्छी बात है
लेकिन जब कुरान करीम की आयात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है तो वो अल्लाह बचाए तहरीफ तक बात पहुंच जाती है। तो इस मुकदमे के तनाजुर में जो बारकसानी के केस में हमारी बिल्कुल समझ से बाहर है, और कोई भी आदमी जब उसको पढ़ेगा उन आयात को और उसके बाद आपका ये रिमार्क पड़ेगा कि अगर ये आयात जहन में होती और आइन की दफात मौजूद होती तो ये मुकदमा दर्ज ही नहीं होना चाहिए था। यानी एक तरह से आप इन आयात को बुनियाद बना रहे हैं इस बात की। नहीं उस्मानी साहब, मैं माजरा चाहता हूँ, आप बुरा ना माने, नहीं आपको बीच में आपको रोका, अगर जरा सी वजाहत यूं कर दूं, यकीनन हमें बहुत सारे वो मिले कागजात जिन लोगों को हमने नोटिसेस दी, सही है, और अगर जितने नुकात उनमें थे उन सबको अगर हम अटेंड नहीं कर पाए तो इसमें मेरी कोताही है, मगर फिर तो वो फैसला नहीं होता, वो तो एक किताब बन जाती। अब हम एक ये भी कहा जाता है कि जी बहुत लंबे हो जाते हैं फैसले, पता नहीं मैं सही करता हूँ या गलत करता हूँ, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि फैसले इतने लंबे ना होंगे, कोई पढ़े नहीं, तो हम जो समझ पाए, यकीनन गलत समझे होंगे ना, इसीलिए तो आप ये दरख्वास्त दी गई है सरकार की तरफ से, बिल्कुल। तो वो अगर अब हम मजीद आगे की तरफ बढ़े तो बेहतर होगा अगर आप बुनियाद बनाएं ये जो फैसला है 29 मई वाला 2024 का, क्योंकि अब तो वो पुरानी बात तो खत्म हो गई, वो इसमें जम हो गई है, तो इसमें जो आप समझते हैं नुकास हैं, गलतियां हैं या आपके इतराजात हैं जो आप लोग बेहतर समझना चाहें, तो फिर आप बराए करम आप तजावीज दीजिए, हमारी रहनुमाई फरमाइए, और अगर हमें समझ नहीं आई भाई तो हमसे सवाल पूछ लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि बेहतरी की तरफ चलें। तो आगे को देखना चाहिए, इसलिए आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि मेरा पता नहीं ये सही करता हूँ या गलत करता हूँ, अभी से नहीं बल्कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान के वक्त से भी मैं जहां तक मेरी कम इल्मी है तो मैं कुरान शरीफ और हदीस मुबारक और फुकोहा का हवाला देता हूँ फैसलों में, क्योंकि हम आखिरकार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है, बेशक अब दूसरे मुल्क अपने मुल्कों के हवाले देते हैं, सही बात। तो हमारी जब तारीख इतनी जबरदस्त तारीख है, सही, तो हम अपने हवाले बिल्कुल नहीं देते हैं, हम अपने फैसलों में अमेरिका बरतानिया भाई वहां भी करना चाहिए, मगर बहुत सारी बातें हमारे कोशिश रहती है, अब कोशिश अब इसमें यकीनन गलती भी होगी, वो शख्स सबसे बेहतर है जो कि कोई काम ना करे उसे गलती भी नहीं होगी, सही बात। मैट्रिक एग्जाम मत हो तो मैट्रिक में फेल होने का चांस ही नहीं है, सही। तो ये मैं कभी अपने आप को नहीं समझता हूँ कि मैं गलती से बालातर हूँ, और इसीलिए आपको जहमत दी और हम बहुत मशहूर हैं कि आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं और उसको छोड़ करके आए हमारी रहनुमाई के लिए, तो बराए करम अगर आप 29 मई के फैसले में अगर आप हमें सिर्फ बता दें कि ये जगह गलत है, ये पैराग्राफ गलत है, तो हम अगर समझते हैं कि आपकी बात में दलाइल में हम आपसे एग्री करें। माशाल्लाह आप तो हमारे साथ रह चुके हैं, हम तो आपकी बड़ी कदर करते हैं, आप तो शरीयत पर कोर्ट के मेंबर भी थे, और मैं बता रहा था कि अभी वापिस शरीयत अपेलेट कोर्ट फाल हो चुकी है, तो अगर हम वहां से आगाज शुरू करें 29 मई से, और आप हमारी निशानदाही के साथ साथ अपने उजर के और साथ साथ फिर अपने तजावीज भी देते जाएं तो वो हम नोट करते जाएंगे, ठीक है। आप बुरा ना माने, मगर वो मैं माजरा चाहता हूँ कि अगर आपके सारे नुकात जो पहले के थे वो हमने जम नहीं किए अपने फैसले में, उसका मैं कसूरवार ठहरा, मगर वो जैसे मैंने बात की वो किताब बन जाती, क्योंकि ना सिर्फ आपके थे मगर बहुत सारे और भी थे। नहीं नहीं मैं देखिए आपकी मुश्किल को समझता हूँ, मैं खुद जज रहा हूँ और जज के ऊपर कितना बोझ होता है फैसलों के लिखने का ये मैं जानता हूँ, और इसीलिए खुद मैं भी हत्तर इम्कान कोशिश ये करता था कि बहुत ज्यादा तफसीली फैसला ना हो ताकि लोगों की समझ में आ सके, लेकिन बाद मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें
बहुत लंबे लंबे फैसले भी लिखने पड़ जाते हैं। जब मामला कोई बहुत हसास नौयत का हो तो उसको बहुत लंबे फैसले भी लिखने पड़ते हैं। अब आपने जो नजरसानी का फैसला लिखा, इसमें जो पहला हिस्सा है ना, ये तो बड़ा काबिल इस्तकबाल है कि आपने खत्म नबूवत के दलाइल दिए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि ये मामला मुसलमा है तमाम मुसलमानों के दरमियान, आइन की रूह से भी, कवानीन की रूह से भी। इसके ऊपर मुझे दलाइल की ज़रूरत नहीं थी। जितना वक्त आपने उस पर लगाया, अगर आप उन निकात पर लगाते तो शायद ये शिकायत पैदा ना होती। लेकिन बहरहाल जो हो गया तो हो गया, लेकिन जो असल हमारे लिए तजवीज़ की बात है, जिसकी वजह से मैं 6 फरवरी के फैसले का भी हवाला दे रहा हूँ, और ये नहीं, उसको छोड़ दीजिए, आपको 29 मई से आगाज कीजिए ना, मैं खत्म होता है ना, नहीं वो खत्म, 6 फरवरी गया, अब उसका कोई रेलिवेंस रही नहीं। आप इसमें दरख्वास्त आई 29 मई, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है। सही है, तो अब अगर उसकी कानूनी हैसियत नहीं है तो उस तरफ जाने की हमें जरूरत भी नहीं। बस बस मुझे इसका खतरा है कि वो अपनी जगह इंटैक्ट रहे वो फैसला। वो मैं वाकई वजाहत कर दूं, जब रिव्यू हो जाए तो फिर वो खत्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है, अब हम उसको भूल जाते हैं, अब हम उसको भूल जाते हैं, ठीक है। यही बात जी मुफ्ती साहब, जब 6 फरवरी का फैसले पे नजरसानी का फैसला आ गया 29 मई को, तो 6 फरवरी के फैसले का वजूद खत्म हो गया। अच्छा। और हमने निगरानी को तस्लीम कर लिया और 6 फरवरी का फैसला खत्म कर दिया। ठीक। अब इस वक्त जो फील्ड में हैं आप, तो माशाल्लाह जज भाई इस बात को समझेंगे, अब फील्ड में 29/5/2024 का हुक्म है, अगर उस पर कोई अभाम पैदा हो रहा है जिससे आप समझते हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने यूट्यूब पे एक वीडियो भी की, प्लीज जी। तो खैर देखिए, अब उसी पर आइए, ऐसे नहीं होता है मुनासिब, ये इखलाक की बात नहीं। आप तशरीफ रखिए, तो आप उसमें थोड़ी सी आप हमें रहनुमाई कर दें कि नजरसानी शुदा फैसले में जो जो आप समझते हैं सकम है या जिससे कोई पेचीदगी पैदा हो रही है या उसका एहतमाल है, उसकी वजाहत फरमा दे ताकि हम उसको देख सके। उसमें जो सबसे ज्यादा संगीन बात है उस फैसले के अंदर, वो ये बात है, सफा वो पैराग्राफ पैराग्राफ 47 है शायद, मैं एक सेकंड में आपको निकाल के देता हूँ। 45 पैराग्राफ का हवाला देते रहे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा संगीन बात जो है वो पैराग्राफ 42 जी हाँ, 42 पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 42 जी। पहला वाला कौन सा बताया, पैराग्राफ नंबर 7 7 7 पैराग्राफ नंबर 7 जी। आप पहले 7 पे बता दें फिर 42 पे बता दें। 7 में वहां आपने ये फरमाया है कि वो अहमदी अपने एक निजी इदारे में तालीम दे रहे थे, जिससे आपने ये वह एज्यूम कर लिया कि ये कादियानी लोग जो हैं वो अपने निजी इदारे बना सकते हैं और उसमें तालीम और तबलीग कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 42 में आपने बाकायदा तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल करके आपने फरमाया कि ये अगर अपने मजहब की तबलीग करें तो ये उनकी एक अजीब इस्तेलाह इस्तेमाल फरमाई आपने कि उनके घर की तन्हाई में शामिल होगी। घर की तन्हाई गालिबन आपने तर्जुमा किया है उनकी प्राइवेसी का शायद, तो ये उसमें तबलीग की आपने गैर मशरूत हिदायत दी थी। गैर मशरूत के साथ आपने एक लफ्ज जरूर बढ़ाया कि कानून के मुताबिक, लेकिन आपने जो इसमें सबसे पहली बात तो यह 298C जो PPC का 298C है, उसमें दो लफ्ज अलग अलग बयान किए हैं, हमने अपने तहरीर में वो बात वाजे की है। यानी जो जिस चीज से कादियानी हजरात को मना किया गया है वो दो हिस्सों में मुनकसिम है 298C में। एक हिस्सा है प्रीचर और प्रोपेगेट्स, एक तो यह है, फिर आगे और इनवाइट्स अदर्स टू देयर फेथ। तो
ظاہر ہے کہ قانون میں کوئی لفظ ریڈنڈنٹ نہیں ہوتا. تو جب اگر ہم پریچنگ کو اور پروپیگیشن کو دوسروں کے متعلق قرار دیں گے تو انوائس ادرس ٹو ہیئر فیتھ یا جملہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. لہذا اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے نہ تبلیغ کر سکتے ہیں نہ پریچنگ کر سکتے ہیں. 298C اگر آپ براہ کرم نکال لیں تو میں اس وقت میرے پاس مواد پورا موجود نہیں. میرے سامنے ہے جی, میں پڑھ دوں آپ کے لیے؟ ضرور جی, نہیں نہیں ضرور پڑھ دیں تو اچھا ہوگا. اچھا یہ میں پڑھ دیتا ہوں جی, یہ انگریزی میں تو انگریزی میں پڑھوں گا. انگریزی میں پڑھے جی. اینی پرسن آف دا قادیانی گروپ اور دا لاہوری گروپ who call themselves Ahmadis or by any other name, who directly or indirectly poses himself as a Muslim or calls or refers to his faith as Islam or preaches or propagates his faith or invites others to accept his faith by words. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں. بائی ورڈز آئیدر اسپوکن اور ریٹن اور بائی ویزیبل ریپرزینٹیشنز اور ان اینی مینر واٹس ایور آؤٹ ریچز دی ریلیجیس فیلنگز آف مسلمز شیل بی پنشڈ ود امپریزنمنٹ فار آئیدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ میکس 10 ٹو 3 ایئرز اینڈ شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن. جی میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. اب مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو پیراگراف یہ اس میں ابہام ظاہر کر رہے ہیں یہ کہیں یہ 298C کے برعکس ہے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے؟ جی بالکل یہ میرا پوائنٹ ہے کہ یہ صرف یعنی جو پیراگراف جو قابل اعتراض پیراگراف ہے 42 ہے نا. اگر یہ ہم ان کو وضاحت کرتے ہیں دیکھیے 42 ہے یا کچھ اور ہے. ان کلیئر کلیش ود دی ان کلیئر کلیش ود لا یعنی یہ 298C کے بالکل مخالف ہے یہ جو آپ نے پیراگراف 47 لکھا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو پیراگراف کو وہ ختم کر دیں یا کلیریفائی کر دیں, کیا آپ فرما رہے ہیں؟ یہ میری دیکھیں اگر بات کو مختصر کیا جائے تو میری گزارش یہ ہے کہ پیراگراف نمبر 7 یہ پورا حذف کیا جائے. ٹھیک اچھا پیراگراف 42 اس کو مکمل حذف کیا جائے. ٹھیک. اور اس کے جو متعلقات ہیں یعنی بعض جگہ کئی جگہ اس چیز کا حوالہ آیا ہے وہ اگرچہ یعنی ضمناً آیا ہے لیکن اگر آپ اس کو حذف کر دیں گے تو امید ہے کہ وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن جو سب سے اہم چیز جو میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اس کی تجویز پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے جناب. آپ مجھے شرمندہ نہ کریں, ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں. نہیں بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ میرے بڑے ہیں, بزرگ ہیں. بہت شکریہ. آپ بالکل بغیر جھجھک کے ہمیں بتائیے. جی انسان غلطی کا پتلا ہے اور میں تو ماشاء اللہ یہ آپ کا سے بتا دیں کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ دو پیراگراف ہیں اور اس کے متعلقہ جو باتیں آپ نے آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی وہ ختم ہو جائیں گی. جی اب میں ذرا سا اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. اور دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دیکھیے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے اس کا اندازہ تو آپ کو ہوا ہوگا اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ ہمارے ایمان کی ایک بہت بڑا اہم عقیدہ ہے اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا فیصلہ آئین پاکستان نے کیا, کس طرح اس کے وہ ترمیم دستور کے اندر کی گئی. تو اس میں ہم جب کوئی مسئلے میں الجھ گئے ہیں کہیں تو ہمیں محض ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر بات کو بے دلی سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب نظر ثانی کریں یا کسی غلطی کی کریکشن کریں تو کھلے دل کے ساتھ کریں. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان دو پیراگراف کو حذف کرنے کے بعد ان کے متعلقات خود بخود حذف ہو جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ 49C جو آخری جو آرڈر کے کلمات ہے نا 49C جو ایک طرح سے آپ نے پورے فیصلے کا جو آرڈر نکالا ہے
वो जरा बनाए कर्म अपने सामने रख ले। जी जी रखिए। 49C जी मैंने ये हाँ 49G हुआ ना जी जी फरमाइए। अच्छा इसको मैं ये मैंने उसकी जगह एक इबारत तजवीज की है जी फरमाइए। वो ये कि जहाँ तक इस मसले का ताल्लुक है कि पेशेवर मुकदमे के मुल्जम पर मजमूई ताजरात पाकिस्तान की दफा 295B 295C 298B 298C का इतलाक होता है या नहीं जमानत के इस मुकदमे में जबकि मुलजम का ट्रायल अभी बाकी है। हम ये मुनासिब नहीं समझते कि इस पर कोई फैसला दें क्योंकि ट्रायल कोर्ट में अभी मुकदमा चल रहा है। ट्रायल कोर्ट को चाहिए कि हमारे फैसले मुअर्रखा 6 फरवरी से मुतासिर हुए बगैर मुकदमे की कार्रवाई जारी रखे और तमाम हालात मुकदमा को सामने रखते हुए इस बात का फैसला करे कि मुलजम पर मजकूरा दफात के तहत जुर्म बनता है या नहीं, खालिस मेरिट पर इसका फैसला करे और इस तरह नजरसानी के तमाम दरखास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर की जाती। ये आप इतनी जल्दी में लिखना पाया आप ये मैं अभी इबारत भेज देंगे हमें या भेज देंगे या मैं अभी जो साहब मेरे रास्ते में है मैं उनको भेज देता हूँ। ठीक है मजीद कोई बात जी मैं ये चाहता हूँ कि मैं गुजारिश यह है कि इस मामले को ज्यादा लटक गया ये और यानी उसकी वजह से इस तरह इंतजार भी पैदा हुआ। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुतालिका हजरात को बुलाया उनको सुना और उसके बाद आपने फैसला किया। अभी आखिरी बार हो रहा है तो इस आखिरी बार में बराह करम जितने इश्कालात पैदा हुए हैं इश्काल क्या पैदा हुआ मैं आपके सामने रख देता हूँ वो यह है कि कादियानियों को तबलीग की इजाजत दी गई है जो 298C के बिल्कुल खराब है और दूसरी बात यह है कि आपने जो अपने फैसले में कौमी असम्बली के अंदर जो तकरीरें हुई थी उस वक्त और उसमें यह कहा गया था मैं इस पहलू को थोड़ी वजाहत से करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। नहीं इजाजत ही इजाजत है। अच्छा तो वो ये है कि उस असेंबली की में जो तकरीरें हुई थी उसमें यह जरूर कहा गया था कि हम इनको एक गैर मुस्लिम अकलियत करार देकर गैर मुस्लिम अकलियत के इनको हकूक देंगे। ये बात जो थी ना ये पाकिस्तान इस्लाम की तारीख के तमाम केसेस के बिल्कुल बरक्स थी। यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने यहाँ मैं जरा आपको बुरा ना मानिए क्योंकि पार्लियामेंट में क्या हुआ अब वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। मैं पार्लियामेंट को तो कोई हुक्म नहीं दे सकता हूँ कि आप ये करें या वो करें। नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं मैं ऐसा बिल्कुल पार्लियामेंट में जो कहा गया वो गलत है। नहीं नहीं वो नहीं मेरा काम नहीं है हमारा काम नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है मैं और बात करना चाह रहा हूँ जरा पूरी कर दूँ आप उसके बाद ऑब्जर्व कर। अच्छा फिर मैं गलत समझा जी माफ कीजिए। यानी पूरी इस्लामी तारीख में कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती कि कोई नबूवत का झूठा मुद्दई पैदा हुआ हो और उसके मुतबीन की जमात हुई हो और उसको दारुल इस्लाम